नमस्कार दोस्तों दोस्तों बजाज ने 3 साल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद फाइनली मार्केट में लॉन्च कर दी है दुनिया की सबसे पहली पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाली बाइक, जिसका नाम है बजाज फ्रीडम। आइए चलते बात करते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। तो दोस्तों इसमें इंजन जो है वो 125 सीसी का रहने वाला है, सिंगल सिलेंडर इंजन मिलेगा, एयर कूल्ड। दोस्तों अगर मैं इसके पावर की बात करूं तो 8000 आरपीएम पे ये लगभग 9.5 HP का पावर आपको प्रोड्यूस करके देगी। टॉर्क की बात करूं दोस्तों 5000 आरपीएम पे 9.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क इसमें देखने के लिए मिलेगा। नॉर्मल इसमें 5 स्पीड वाला गियरबॉक्स आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि नॉर्मली आपको नॉर्मल बाइकों में देखने के लिए मिलता है। कर्व वेट की बात करूँ दोस्तों इसमें 149 किलो यानी लगभग 150 किलो के आसपास, यानी कि 1.5 क्विंटल के आसपास इसमें वेट रहने वाला है, जो कि नॉर्मल किसी भी 125 सीसी बाइक से थोड़ा सा ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि इसमें एक सीएनजी का सिलेंडर भी आएगा, जिसका खुद का भी अपना वेट रहने वाला है। अब दोस्तों अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो 117 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, जो कि आम बाइक में मिलता है आपको नॉर्मली। सीट हाइट की बात करूँ तो 825 mm की इसमें सीट हाइट रहने वाली है। फ्यूल कैपेसिटी की बात करूँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सीएनजी प्लस पेट्रोल से चलेगी, तो इसमें 2-2 लीटर के यानी 2 लीटर इसमें पेट्रोल डलवा सकते हो और 2 किलो इसमें मैक्सिमम सीएनजी आप डलवा सकते हो, तो ये आपको ऑप्शन इस बाइक में देखने के लिए मिल जाता है। अब दोस्तों अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो ये 95,000 से स्टार्ट होती है और 110,000 पे इसका टॉप एंड आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि दोस्तों इस बाइक में आपको 3 वेरिएंट देखने के लिए मिलेंगे, बेस, मिडल और टॉप वेरिएंट। तो जो बेस मॉडल है उसका 95,000 रुपये प्राइस है और जो टॉप वेरिएंट है उसका 110,000 रुपये प्राइस रहने वाला है। अब क्लेम्ड माइलेज यानी कि जो कंपनी क्लेम करती है उस माइलेज की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर ये सीएनजी में आप चलाते हो तो 102 किलोमीटर पर केजी यानी कि 1 किलो सीएनजी से आप इस बाइक को 102 किलोमीटर तक चला पाएंगे, और अगर आप इसे पेट्रोल में यूज़ करते हो तो 65 किलोमीटर पर लीटर आप पेट्रोल में इसको यूज़ कर पाएंगे। मान लीजिए आपने सीएनजी और पेट्रोल दोनों ही इस बाइक में अगर फुल करवा रखे हो तो ये लगभग 350 से 350 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली है। अब दोस्तों जो इसका बेस मॉडल आता है जिसका प्राइस 95,000 रुपये से स्टार्ट होता है, तो इसमें आपको दोनों ही ड्रम ब्रेक मिलेंगे। इसके अलावा जो हेडलैम्प है वो हेलोजन हेडलैम्प मिलेगा, और जो LCD स्क्रीन आती है उसमें कोई भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं रहने वाली। अब दोस्तों इसके मिडल वेरियंट की बात कर लेते हैं। जो दोस्तों इसका मिडल वेरियंट है उसका प्राइस है 1,05,000, और इसमें आपको LED हेडलैम्प मिल जाते हैं, इसमें भी आपको दोनों ही ड्रम ब्रेक मिलेंगे, इसमें भी आपको LCD के साथ कोई भी कनेक्टिविटी ब्लूटूथ की नहीं मिलने वाली। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें आपको LED हेडलैम्प मिल जाता। अब जो दोस्तों इसका टॉप एंड है जिसका प्राइस है 1,10,000 रुपये, तो इसमें LED हेडलैम्प मिल जाएगा आपको, प्लस इसमें फ्रंट वाला आपको डिस्क ब्रेक मिल जाएगा, रियर वाला फिर भी आपको ड्रम ब्रेक ही देखने के लिए मिलेगा। इन्वर्टेड फुल LCD डिस्प्ले विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, यानी कि सारे के सारे आप फीचर्स जो है वो आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर पाएंगे अपने फ़ोन को। तो इस प्रकार से जो इसका टॉप एंड है वो रहने वाला है। दोस्तों नॉर्मली किसी भी बाइक के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना टाइम नहीं लगता जितना इस बाइक में लगा है। इसमें लगभग 3 साल का टाइम बजाज ने लगा दिया है। उसका रीज़न ये था कि CNG का इसमें सिलेंडर लगने वाला था, और अगर ये बाइक कहीं गिर जाए या फिर माइनर एक्सीडेंट हो जाए तो कहीं सिलेंडर फट ना जाए, इस चीज़ का खतरा था। तो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट करने के बाद फाइनली बजाज ने इसको सेफ पाया और इसको मार्केट में लॉन्च कर दिया है। आपने देखा होगा कि ऑटो में भी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन आता है, लेकिन ऑटो इतना जल्दी गिरता नहीं है या फिर उसके माइनर एक्सीडेंट्स नहीं होते, वो एक जगह फिक्स रहता है। लेकिन बाइक वहीं पे इतनी ज़्यादा हिलती डुलती है, कहीं भी गिर सकती है, खड़े खड़े ही गिर जाती है इवन बाइक, तो इस वजह से इतना ज़्यादा टाइम लगाया गया है। और इसका जो सिलेंडर है वो बिल्कुल सीट के बीच में और नीचे दिया गया है। तो दोस्तों ये थी बजाज की फ्रीडम, जो कि दुनिया की सबसे पहली बाइक है जो कि CNG से चलने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।